चामराजपेट के पदरायनापुरा की मस्जिद सुभानिया एक मिसाली मस्जिद साबित हुई है। मस्जिद कमेटी के तहत 10वीं जमात तक अल अजहर स्कूल चलाई जाती है और मदरसा अरबिया अहसन उलूम के तहत दीनी तालीम भी फराहम की जाती है। मदरसा अरबिया अहसन उलूम का सालाना इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ मुसाबिकात में हिस्सा लेने वाले बच्चों को और नुमाया कामयाब होने वाले बच्चों को इनामात तकसीम किए गए। मस्जिद कमेटी के सदर सनाउल्लाह कहते हैं कि पदरायनापुरा का इलाका गुरबत ज़्यादा इलाका होने की वजह से यहाँ के बच्चे बचपन में मुलाजिमत में लग जाते थे और या फिर कुछ बच्चे गलत सोहबत की वजह से नशे का शिकार हो रहे थे। इसीलिए यहाँ स्कूल और मदरसे की बुनियाद डाली गई जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ और कई बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में तालीम हासिल कर चुके कई बच्चे MBBS में आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी नुमाया कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ दीनी मदरसे में मुकामी बच्चे पढ़ते हैं बल्कि इलाके के ख्वातीन भी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना जमील अहमद कासमी कहते हैं कि मदरसों की ज़रूरत पूरे मुल्क में है। मदरसे की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। मदारिस अगर हैं तो ही तालीम दीनी तालीम का निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा। इस्लाम को मिटाने पर तुली है, कुरान को मिटाने पर तुली है, मदारिस को मिटाना चाहती है। मौलाए करीम आप खुद अपने इन मदारिस की हिफाजत फरमाइए। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे दूसरे चीज़ों में लग गए हैं, रिक्शा पहुँचने में, गाड़ी ढकलने में या तट्टा धोने में, इसमें सब लग गए थे। उसके बाद में हम लोग महसूस किए कि भाई बच्चों को सुधारने के लिए एक ही रास्ता क्या है बोल के मदरसे का शुरू इब्तिदा शुरू करें। मदरसे को घर में उनको मुश्किल से वो दो वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल थी, लेकिन यहाँ पे सुबह दो वक्त का खाना भी हम लोग दे रहे हैं और बच्चों को ले के जो है उनको तालीम के साथ साथ अरबी तालीम के साथ साथ जो है दुनियाई तालीम भी दे रहे हैं। बड़ा फ़ायदा हो रहा है। वो काफ़ी और लोग यहाँ पे आके दाखिला लेना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास जगह की भी कमी है और उसके साथ उसका इंतज़ाम भी करना है। इंशाल्लाह इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि लेंगे बोल के। वैसे हमारा मोहल्ला जो है गौरी पाल्डा पादानगुंडा बोले तो लोग थोड़ा बेजार होते हैं, क्या अभी गरीब मोहल्ला है बोल के, नहीं दूसरा भी बोलते हैं उसे, ज़रा खुद बोलते हैं कि गोश्त टोन नहीं है बोल को इंग्लिश में। वो गोश्त टोन को तो मैं समझता हूँ शैतानी टोन को बोलते रहेंगे अगर बोल को। लेकिन यहाँ के हालात देख को, यहाँ के बच्चों को देख के, यहाँ की गुर्बत देख के ये लोग आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो करे तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। कि कर बोले तो गुर्बत जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद करते थे गुर्बत को, माल की तरफ दूसरी तरफ नहीं गए वो, अगर चो जाते माल की तरफ तो पहाड़ ओहद का पहाड़ भी सोना बनकर उनके पीछे पीछे चलता था। यहाँ की जो गुर्बत है वो हमने पसंद है, वो गुर्बत में हमें गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हाँ एकदम इतनी गुर्बत है कि उनको दो टाइम का खाना भी मुयस्सर नहीं होता। हाँ कोशिश किए, वो बुलाए, वो इनको वो डॉक्टर्स को बुलाए कि वो नशीली चीज़ें जो है ना उसके बारे में भी कोशिश करके एक से तीन चार मरतबे हम लोग उनको बुला के जायज़ा भी लिए और वो नशीली चीज़ इस्तेमाल करते ना उसके वास्ते हम लोग उनको 40 दिन छिल्ला 3-4 महीने जमायत में भेज के उनको जमायत से वापस बुला के वो बड़ा फ़ायदा हुआ उसमें आने के बाद। माशाल्लाह अच्छी चल रही है। अल अज़हर फाउंडेशन भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, उसमें भी तकरीबन 2-3 आदमी को जो है वो फ्री इसकी मिली, क्या डॉक्टरी मिलती है ना क्या बोलते हैं उसे, MBBS सीट फ्री मिली 3 बच्चों को। और एक काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पे स्कूल के अंदर जो है पढ़ रहे हैं, भाई को बच्चे भी अच्छी तरह तालीम हासिल कर रहे हैं। भाई को बच्चे जो हैं वो भी यहाँ से निकलने के बाद कंप्यूटर वो सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना उसमें 40,000 से शुरू होते हुए 1,40,000 तक तनख्वाह लेकर भाई को बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम ना खुशी है कि हमारे बच्चे हुकूमत आई है, नई हुकूमत कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, आपके यहाँ के MLA मिनिस्टर हैं जी, आपका कोई मुतालबा है कि सरकार की तरफ से आपको कोई सहूलत मिलनी चाहिए? हाँ जी, वो बोल रहे थे कि वो इसका जो है ना माइनॉरिटीज़ का हमारे BK अल्ताफ़ खान को वो जिम्मेदारी दे रहे हैं, वहाँ से जो जो भी सहूलत आपको मुहैया करना है इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा बोल के उन्होंने भी वादा किए। और चेयरमैन जो हैं अब इसके KMDC के वो भी ज़िम्मेदारी लिए हैं, इंशाल्लाह उनसे भी मदद हो जाए। मदद हुई तो काफ़ी लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आपका नाम? मेरा नाम BS सनाउल्ला, मस्जिद सुभानिया प्रेसिडेंट।
पूरी उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह इस मस्जिद की कमेटी वालों ने दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम का इंतज़ाम किया है, मेरी दिली तमन्ना और आरजू यह है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्कूल्स हैं, ख़ास करके मुसलमानों के जो स्कूल हैं, वो भी इस तरीके का निज़ाम बनाएं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी तालीम के साथ दीनी तालीम भी हासिल कर सकें। आज कितने बच्चे फारिग हुए हैं, क्या उन्हें असनाद दिए हैं? तकरीबन आज 65 बच्चों ने हिस्सा लिया प्रोग्राम के अंदर, और इनमें अव्वल आने वाले बच्चों को इनाम से नवाजा गया, दोम आने वाले बच्चों को इनाम से नवाजा गया, और एजाजी इनाम यानी हर एक बच्चों का दिल रखने के लिए हर एक बच्चे को मदरसे की तरफ से इनाम दिया गया। इस मदरसे की तारीख क्या रही है, कितने साल पहले इस मदरसे की बुनियाद रखी गई? तकरीबन तीन साल पहले ये मदरसा ज़ेरे तामीर आया था और मदरसे की इब्तिदा हुई। और एक बात इसके साथ साथ मैं और बताता चलूँ कि ये तो बॉयज़ के लिए, यानी स्कूल में लड़के जो हैं उनका निज़ाम अहसनुल उलूम में, इसी तरह इस स्कूल के मातहत जो लड़कियां पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे के निज़ाम के साथ महल्ले की बड़ी मस्तूरात और ख़वातीन और महल्ले की दूसरी लड़कियां भी नीचे के हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह अहसनुल उलूम लिल बनात भी चलता है, यानी औरतों का लड़कियों का मदरसा भी और ऊपर के हिस्से में लड़कों का मदरसा भी चलता है। हाँ, क़याम ताम के साथ क़याम नहीं है यहाँ, क़याम दिन भर का है, हॉस्टल सिस्टम नहीं है, दिन भर क़याम करते हैं, दो टाइम का खाना का निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल घर के जैसा, और फिर शाम में ईशा की नमाज़ पढ़ करके हमारे बच्चे चले जाते हैं। और कितने हाफिज आलिम अब तक फारिग हुए हैं? अभी तक तकरीबन एक बच्चा हाफिज हुआ है, एक बच्चा एक साल के अंदर। ताज्जुब की बात यह है कि 30 पारा कुरान करीम का एक साल में मुकम्मल किया, जो ये ख़ुद में एक रिकॉर्ड है, वरना आम तौर से जो कुरान के हिफ्ज का निसाब बताया जाता है वो 3 साल बताया जाता है, लेकिन ये जामिया अहसनुल उलूम और इनके असातिज़ा और इनके ज़िम्मेदारों की मेहनत का नतीजा है और खलूस का नतीजा है कि एक साल में एक बच्चे ने हाफिज़ कुरान मुकम्मल किया। जमील अहमद कासमी, ख़तीब मस्जिद सुभानिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यह मस्जिद सुभानिया मरकज़ है, अल्लाह के फजलो करम से हमारी इसमें मदरसा भी है, स्कूल भी है, अल-अज़हर स्कूल है, इसमें 350 बच्चों तक अंग्रेज़ी, उर्दू, कन्नड़ा सब तालीम दी जाती है। उसके साथ साथ हमारा मदरसा है हसनुल उलूम, उसमें 60-50 बच्चे हैं, उनका सुबह का नाश्ता, शाम का, दोपहर का खाना, उसके साथ हमें असर में दूध के साथ फल फलारी के साथ उनको हमें करते हैं। उसके बाद 415 बच्चे हमारा सुबह शाम का मदरसा चलता है उसमें हैं, और इस मोहल्ले के आस पास जितने भी घर हैं उसमें हमारी मस्तूरात आगे 10 बजे से 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो भी हमारे यहाँ आके दीन और तालीम हासिल करते हैं, और हमारी कमेटी के तरफ से हम सबको ये करने का मौका मिला है। सरकारी स्कूल भी उर्दू स्कूल है, उसमें 570 बच्चे हैं, और हमारे बच्चे जो मदरसे में हसनुल उलूम में हैं वो बच्चे वहाँ भी जाकर तालीम हासिल करते हैं, 2 घंटे वहाँ जाकर उनको बाकायदा बिल्कुल जैसा स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है वैसा पूरा दाखिले के साथ हमें उनको वहाँ पर एडमिशन दिला के हैं, और SLC दीनी तालीम के साथ साथ SLC भी हमें उनके साथ बच्चों को कराने का काम कर रहे हैं। नाम? मेरा नाम मोहम्मद शेख उस्मान है, मैं मस्जिद सुभानिया का सेक्रेटरी हूँ।